हेलो स्टूडेंट, आई एम कीर्ति सागर फ्रॉम GPS आवाज। हम पढ़ रहे हैं आपका सब्जेक्ट स्टील स्ट्रक्चर ड्राइंग, और इसमें हम पढ़ रहे हैं स्टील रूफ ट्रस। इसमें जो है आपका फिंक रूफ ट्रस। तो अभी आपने पढ़ा था पिछली क्लास में फ्रेंच रूफ ट्रस। इसमें हम पढ़ेंगे आपके उसकी डिटेल्स, जो आपने ट्रस बनाया था, ABCD एंड फिक्सिंग ऑफ GI सीट। जो ये वाला ट्रस था जो आपने पिछली क्लास में बनाया था पूरा, अब इसकी डिटेल्स पढ़ेंगे। तो देखिए, फर्स्ट है इसकी डिटेल्स ऑफ फिक्सिंग GI सीट। तो ये फिक्सिंग की जैसे कैसे हैं डिटेल्स, देखिए प्रिंसिपल राफ्टर हम जानते हैं कि ये है कितने का, 75 × 750 × 8 mm, ये आपका प्रिंसिपल राफ्टर है। उसके ऊपर जो आप GI सीट भी लगा रहे थे, कॉमन राफ्टर भी होता है, लेकिन अच्छा जहाँ पे ये फिंक ट्रस होता है वहाँ कॉमन राफ्टर की कोई ख़ास ज़रूरत पड़ती नहीं, क्योंकि हम डायरेक्ट CGI सीट ही डाल देते हैं। तो ये है आपका, देखिए ये दोनों किसकी हेल्प से जुड़े हुए हैं, एक पर्लिन की हेल्प से, जो कितने का है, 125 × 75 × 8 mm एंगल। पर्लिन कौन सा है, ये वाला जो ये आप इस तरह से देख रहे हैं ना, ये पर्लिन है, ठीक। फिर ये क्या है आपका, क्लीट है, ये कितने का है, 75 × 75 × 8 mm, ये है आपका क्लीट। ये दोनों किसकी हेल्प से जुड़े हुए, अच्छा देखिए रिबिट की हेल्प से, ये है आपका रिबिट। रिबिट की हेल्प से क्या जुड़े हुए हैं, ये पर्लिन और क्लीट आपस में, और जो CGI सीट जुड़ी हुई है ये है आपके जे हुक से जुड़ी हुई, ठीक। ये तो ये था आपका कौन सा, डिटेल्स ऑफ फिक्सिंग GI सीट्स। इसमें ऐसा कुछ खास था नहीं। फिर आता है आपका डिटेल एट सी। अच्छा डिटेल एट सी, सी कौन सा पार्ट होता है, देखिए सी वाला पार्ट है आपका ये आपका सी है, ये आपका डिटेल एट ए है, और डिटेल एट बी है, एंड डिटेल ही आपका डी है। तो ये आपको चार डिटेल्स बनानी है, प्लस GI सीट की आपको अलग से डिटेल्स बनानी होती है। तो फिर था आपका ये डिटेल एट सी। सी पर डिटेल के लिए क्या करें, हम जानते हैं ये क्या है, रिज कवर है जो 250 का है, CGI रिजिंग का हो रहा है, ठीक। ये क्या है आपका CGI सीट है, ये जे हुक है, ये आपका क्या है, दोनों साइड पर्लिंस लगी हुई है, कितनी, 125 × 75 × 8 mm की, और दोनों साइड ये इसको रो सपोर्ट के लिए क्लीट्स लगे हुए हैं। क्लीट कितने के हैं, 75 × 75 × 8 एंगल क्लीट्स, ठीक। और इनको जो जोड़ने के लिए लिए लगे हुए हैं रिबिट, दो रिबिट, ठीक, दो रिबिट ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ, नहीं एक रिबिट ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ, ठीक। ये था क्या आपका, क्या पर्लिंस और क्लीट। अब आता है आपका, ये है आपका प्रिंसिपल राफ्टर, ठीक। प्रिंसिपल राफ्टर कितना है, एंगल 75 × 50 × 8, ये आपका प्रिंसिपल राफ्टर है। ये है आपका सस्पेंडर, कितने का है, 50 × 50 × 6 mm एंगल, एंगल लग रहा है ना, तो एंगल सेक्शन का बना हुआ है ये। ये है आपका टाई, कितने का, 50 × 8 mm फ्लैट, और ये है आपकी गजट प्लेट। क्यों, क्योंकि तीनों या पांचों किससे जुड़े हुए हैं, एक गजट प्लेट की सहायता से रिबिट जो है उससे जुड़े हुए हैं। रिबिट की पिच आपको पता चल जाएगी गजट प्लेट की थिकनेस से। फिर है आपका डिटेल एट बी। डिटेल एट बी पर देखिए क्या है आपका, ये आपका CGI सीट है, ये आपका जे हुक है, ये आपका पर्लिंस है, और ये आपका क्लीट। किसकी हेल्प से जुड़े हुए हैं, ये रिबिट की हेल्प से। ये है आपका क्या, प्रिंसिपल राफ्टर, ठीक। इस प्रिंसिपल राफ्टर से ये क्या जुड़ा हुआ है, स्ट्रट जुड़ा हुआ है। इसकी क्या है डायमेंशन, 75 × 50 × 10 mm, और ये दो टाई जुड़े हुए हैं, कितने के, 50 × 8 mm। तो ये थी आपकी किस पे, डिटेल एट बी ये वाली। तो फिर आता है आपका
डिटेल 8A। अच्छा, जब भी कोई ट्रस्ट बनाएंगे, सपोज दैट वो ये है, ये वाला, ये क्या है आपकी कंक्रीट ब्लॉक है ये सब, और ये आपका 30 डिग्री एंगल है, और ये आपकी मेन टाई बीम है जो रखी हुई है। तो ये वाली जो डिटेल है, ये क्या डिटेल है? ए। ठीक, तो ये वाली डिटेल है ए। देखिए ये क्या है आपका? जी आई सीट है, ये जे हुक है, ठीक, ये आपका पर्लिंस है, ये आपका क्लीट है, और ये इसमें रिबिट लगे हुए हैं। फिर है आपका क्या कि प्रिंसिपल राफ्टर कितने का? 75x15x8 mm एंगल सेक्शंस है। फिर है आपका टाई कितने का है इससे? 80x8 mm फ्लैट, ये मेन टाई है। अच्छा, जो अब रखी हुई है ये नॉर्मली इस पे रखी हुई इस तरह से दिखानी चाहिए, यहाँ तक आप इसको लेकर आएँ, क्योंकि मेन टाई बीम जो होती है वो किस पे रेस्ट करती है? इस पे, वॉल पे। यहाँ पे ये चीज़ उन्होंने ये बस यहीं तक लाते हैं, नहीं, ये यहाँ तक इस पे रेस्ट करती है। कितने की है टाई? 80x8 mm फ्लैट। फिर है कि ये बाहर की तरफ कितना निकला हुआ है? 450 mm। आपने देखा होगा ये ड्रेन भी होता है ना, पाइप जुड़ा रहता है, चाहे तो आप इसे बना सकते हैं। किस में जुड़ा होता है? वॉल में, इस तरह से जुड़ा हुआ होता है। फिर है आपका, ये है आपका वॉल है, वॉल थिकनेस है 400 mm, और ये कितना है? 300x300 कंक्रीट बैग। देखिए सीमेंट कंक्रीट बैग कितना है? 30x30x30 cm। तो 300 ये है और 300 ही ये है। फिर है आपका बेस प्लेट कितने की है? जो ये आपको दिख रही है ये बेस प्लेट 30x30x12 mm की इसमें बेस प्लेट है। गजेट प्लेट इसमें ये लगी हुई है, ये गजेट प्लेट है। फिर है आपका रैग बोल्ट, रैग बोल्ट जो है 40 mm डाया का है। अच्छा, रैग बोल्ट का क्या वर्क होता है? टाई बीम और जो इसके ऊपर बेस जो होती है वो बेस प्लेट में फंसा कर जो कंक्रीट ब्लॉक होता है उसमें जाके फंस जाता है। ये था आपका रैग बोल्ट। तो ये का था आपका डिटेल एट ए। फिर है आपका डिटेल एट डी, ये सबसे इजी है। इसमें क्या है? ये टाई बीम है, ठीक है, आपको दिख ही रहा होगा टाई बीम है 15x8 mm फ्लैट। इस पे स्ट्रट जुड़े हुए हैं, ये 75x15x10 mm एंगल के, और ये इसकी टाई दिखा रखा है इन्होंने 15x8 mm। तो ये थी आपकी डिटेल एट ए। जब आपसे डिटेल्स पूछी जाएंगी तो आप नॉर्मली डिटेल क्या होता है कि जो आपने एक साथ बनाया था ट्रस में, जैसे ये इसके इन जॉइंट्स पर, ये जो जॉइंट्स है ए बी डी एंड सी, इन डिटेल्स को आप अलग अलग बना दें बड़े स्केल पर, यही तो डिटेल होता है। जो स्केल आप इसके लिए यूज़ करते हैं, ज़रूरी नहीं कि डिटेल भी आप उसी स्केल पे बनाएं। डिटेल के लिए आप अपना स्केल बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी था, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे स्टील कनेक्शंस। थैंक यू क्लास। बाकी आप लोग जो है ये ड्राइंग बनाते रहें, ऐसा नहीं है कि अभी बना नहीं रहे तो घर पे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग ये ड्राइंग बनानी होगी, क्योंकि इसका जो पेपर आता है आपको तो पता ही होगा, अगर एक ट्रस पूछा जाएगा तो ये आपका बहुत टाइम खा लेगा, और ये सिर्फ प्रैक्टिस की वजह से ही सॉल्व हो पाएगा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो वहाँ पे बनाने में आपको बहुत वक्त लगेगा, जबकि आपको बहुत कुछ वहाँ पे बनाना होता है। तो माना कि कोरोना ख़त्म हो गया है, लेकिन नहीं, कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है, सॉरी, लॉकडाउन, कुछ जो सिटीज़ हैं उनमें लॉकडाउन खुल गया है, बट फिर भी कोरोना तो भी नहीं गया है, हमें सेफ रहना है, क्योंकि बचेगा इंडिया तभी तो पड़ेगा इंडिया, तो बेहतर है आप अपना ख्याल रखें सब। थैंक यू क्लास।